दोस्तों ये बात तो सभी जानते होंगे कि बजरंगबली भगवान श्री राम के कितने अनन्य भक्त हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसी स्थिति भी आई थी जब भगवान श्री राम को बजरंगबली पे ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों क्या होता है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या से आते हैं तो यज्ञ करवाते हैं, इसके बाद सभी ऋषि मुनियों के राजमहल में होते हैं तो हनुमान जी सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं, लेकिन नारद जी के कहने पर कि विश्वामित्र ऋषि को ऋषि थोड़ी वो राजा के पुत्र है, हनुमान जी विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम नहीं करते। इस पर विश्वामित्र ऋषि को क्रोध नहीं आता है, लेकिन नारद मुनि हनुमान जी के खिलाफ विश्वामित्र ऋषि को भड़का देते हैं। इसके बाद विश्वामित्र ऋषि भगवान श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अनन्य भक्त हनुमान ने मेरा अपमान किया है, तुम उसे मृत्यु दंड दो। गुरु के आदेश को कैसे श्री राम टाल सकते थे, वो दुविधा में पड़ जाते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा के पालन करने के लिए वह धनुष और बाण उठाते हैं। दोस्तों भगवान हनुमान श्री राम का जाप करते हैं एक पेड़ के नीचे बैठ के, राम जी के सारे बाण विफल हो जाते हैं और अंत में भगवान श्री राम हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र जैसा प्रलयंकारी बाण चलाते हैं। उस बाण का भी हनुमान जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। इस घटना को देखकर नारद जी समझ जाते हैं कि भगवान श्री राम हनुमान जी कितने एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि नारद जी को अपनी गलती का एहसास होता है और इसके बाद जो है वो भगवान श्री राम से जाके सारी घटनाएं बताते हैं और हनुमान जी और भगवान श्री राम से जो है क्षमा मांगते हैं। कैसा लगा आपको जान के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।